दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक नई जानकारी सारा की तरफ से प्राप्त हुई है जो कि बिहार की है। बिहार सरकार ने सारा समूह को चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर जिनकी मैच्योरिटी की डेटें ओवर हो गई हैं उनका 15 दिन के अंदर भुगतान करें। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने वाले सारा समूह को चेतावनी दी है कि अपनी ऐसी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उनका भुगतान 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। तो ये एक नई चीज़ आई है कि मतलब ऑर्डर हो चुका है कि सारा को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने वाले सारा समूह को चेतावनी दी है कि वो अपनी ऐसी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उसका 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ राज्य में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण कानून BPID 2002 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशील की अध्यक्षता में पिछले दिनों सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सारा समूह को उक्त चेतावनी दी गई। सुशील ने कहा है कि सारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जमा राशि करवा कर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधि बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि बात सही है कि मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टर का जो भी मैच्योरिटियाँ हो चुकी हैं अब उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए दबाव इन्वेस्टर पर बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ जाँच के खिलाफ सहकारिता विभाग भारत सरकार को एक पत्र भी लिख रहा है। बैठक में बताया गया है कि सारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजना चलाती है। सरकार के पास 350 से ज़्यादा जमाकर्ताओं की शिकायतें आई हुई हैं कि परिपक्वता के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा कंपनी द्वारा उस पर रिन्यूअल कराने व अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है। बैठक में सारा समूह को निर्देश दिया गया है कि अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जितने जमाकर्ताओं की जमा परिपक्वता पूरी हो चुकी है उनकी सूची सरकार को उपलब्ध कराएं और 15 दिन के अंदर उनके जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें। सारा समूह को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वो भुगतान नहीं करता है तो BPID 2002 एक्ट के तहत उनकी परिसंपत्तियों को सरकार अधिग्रहित करके करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है वे अपनी बचत राशि नॉन बैंकिंग कंपनियों के जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें। चूँकि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत सारा को लाइसेंस मिला हुआ था तो लोगों ने ब्याज के रेट को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट किया था। बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक जो कि एस गंगवार, पटना के जिलाधिकारी रवि कुमार, वरीय पुलिस अधिकारी मनु महाराज, RBI के उप निदेशक गैर बैंकिंग सतीश गौतम आदि उपस्थित थी जिन्होंने इस ऑर्डर को दिया है। तो सारा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि अगर वो 15 दिन के अंदर अगर वो अपने मैच्योरिटी के जिनकी मैच्योरिटियाँ हो चुकी हैं अगर उसके भुगतान नहीं करती है तो उनके साथ क्या क्या नई मुसीबतें तैयार हो जाएंगी, तो ये आने वाला समय ही बताएगा। चूँकि बिहार में ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत अच्छा निर्णय है कि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अगर ये निर्णय मान लिया जाता है सारा समूह की तरफ से तो इन्वेस्टर को उनके पेमेंट 15 दिन के बाद से स्टार्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि 15 दिन के अंदर लोगों को उनके पेमेंट किस तरीके से मिलते हैं, यार जो राज्य सरकार है वो बिहार की जो सरकार है वो उसको किस तरीके से पेमेंट लोगों को दिलवाती है, जो कि वहाँ के लोगों को मतलब किस तरीके से पेमेंट मिलता है। तो ये आने वाले समय में हमको जो भी जानकारी नई प्राप्त होती है मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ सारा इंडिया परिवार के सिलसिले में। जी हाँ, सारा इंडिया परिवार जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जो है इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे लोगों का जो है पैसा अभी तक रिफंड नहीं हो पाया है। यूँ तो अगर हम बात करते हैं सारा इंडिया परिवार के जो मेन मुख्य हैं मिस्टर सुब्रत राय सारा जी, उनके आदेश के बाद आधार भुगतान हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये बात कर रही है सेबी का फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया। सहारा इंडिया परिवार और सेबी दोनों ही पार्टी हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो दोनों का जो है केस चल रहा है
सारण्य परिवार का कहना यह है कि हमने निवेशकों का पैसा दे दी चुके हैं। जबकि सेबी का कहना है कि आपने अभी तक सारण्य परिवार के अभी तक पैसा नहीं दिया। जबकि सारण्य परिवार ने सेबी के अकाउंट में 22,000 करोड़ रुपये सबमिट कराए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेबी जो है इश्तिहार के बाद यानी कि एक बार इश्तिहार देने के बाद जो है 107 करोड़ रुपये का ही अब तक भुगतान कर पाया है। सारण्य परिवार में बहुत सारे लोगों का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है और हर क्लास के लोगों का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है। सारण्य परिवार में लोगों का जो है भुगतान कब तक होगा उसके लिए हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट के केस की ओर डेट की ओर जो है पूरी नज़र है। और हम ये कहना चाहेंगे सारण्य परिवार में जितने लोगों का जो पैसा इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ क्योंकि सारण्य परिवार में बहुत सारे जो लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा था वो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था बनस्पत बैंक और अदर कंपनी से। इस वजह से सारण्य परिवार में बहुत सारे लोगों ने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स अगर हम दोनों के बारे में बात करें तो दोनों का जो है पैसा दो फॉर्म में जो है गया। एक आरडी के फॉर्म में जिससे बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट है। दूसरी अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे एफडी बोलते हैं। दोनों के तौर पर जो है पैसा जो है सारण्य परिवार में गया। अब बात हुई मैच्योरिटी का जब टाइम पीरियड आया तो ये हुआ कि सारण्य परिवार और सेबी के बीच में जो है केस चल रहा है कोर्ट में। इस वजह से जो है अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब क्या हुआ सारण्य परिवार के हर राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इनके ऑफिस खुले हुए हैं। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सब सारे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद लखनऊ कानपुर और भी बहुत सारे हैं राज्य जहाँ पर प्रत्येक राज्य में इनका ऑफिस जो है दो दो तीन तीन ब्रांचें तक हैं अवेलेबल हैं। तो है क्या कि सारण्य परिवार में अगर हम बात करें कि रेलवे की बात अगर सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला कोई और है कंपनी है प्राइवेट कंपनी तो वो सारण्य परिवार ही है जिसने 1.2 मिलियन लोगों को जोड़ा जिसमें कई सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सारण्य परिवार में एजेंट्स जितने भी लोग जुड़े हुए थे जिन लोगों ने पॉलिसी करवाई अब उनसे क्या है कि जब सारण्य परिवार से पैसा मिलना बंद हो गया तो एजेंट्स भी अपने जो ग्राहक हैं उनको जवाब देने में ये हुआ कि अभी जो है केस चल रहा है अभी केस चल रहा है और अभी तक पैसा नहीं मिल पा रहा। तो सारण्य परिवार में बहुत सारे लोगों का जो है इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और लोग और माना ये जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स का जो ओरिजिनल जिनके पास शेयर होल्डर्स है अब हुआ क्या था कि इससे पहले सिक्यू शॉप में पैसा कन्वर्ट हुआ था। प्यू शॉप में कन्वर्ट होने के बाद सेबी और सारण्य के बीच में कुछ ज़्यादा मतभेद हो गया था। अब उस सोल्यूशन इसका बस ये है कि अभी कोर्ट केस का इंतजार करना है। कोर्ट केस क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में आपको जरूर अपडेट करूँगा। तथा के लिए थैंक यू सो मच।